जी, उपराष्ट्रपति जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, श्रीमती कोविंद जी, आप सबको विजयादशमी के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश में उत्सव एक प्रकार से सामाजिक शिक्षा का माध्यम है। हमारे हर उत्सव के साथ समाज को सामूहिकता की ओर ले जाना, समाज के प्रति संवेदन बनाना, मूल्यों के प्रति अहर्निश जागृत रखना और विकृतियों को मिटाने का निरंतर प्रयास करता रहना, इसकी एक प्रशिक्षा के रूप में हमारे उत्सवों की परंपरा है। हमारे उत्सव खेत खलिहान से भी जुड़े हुए हैं, हमारे उत्सव नदी पर्वतों से जुड़े हुए हैं, हमारे उत्सव इतिहास से जुड़े हुए हैं, हमारे उत्सव सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हुए हैं। हजारों साल हो गए लेकिन प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, इनकी गाथाएं आज भी समाज जीवन को चेतना देती रही है, प्रेरणा देती रही है। आज नवरात्रि के पावन पर्व के बाद विजयादशमी के पर्व पर रावण दहन की परंपरा है। ये रावण दहन उस परंपरा का हिस्सा है, लेकिन एक नागरिक के नाते समाज जीवन में ये जो रावण प्रवृत्ति होती है उसको विनाश करने के लिए भी समाज ने निरंतर जागृत प्रयास करने होते हैं। और ऐसे उत्सव से सिर्फ मनोरंजन नहीं, कोई मकसद बनना चाहिए। ऐसे उत्सवों से कुछ कर गुजरने का संकल्प बनना चाहिए। कोई कल्पना कर सकता है कि अयोध्या से पहने हुए वस्त्र पहन करके निकले हुए प्रभु राम पूरे रास्ते चलते चलते संग्रहण शक्ति का इतना बड़ा कौशल्य बता देते हैं कि श्रीलंका विजय में समाज के हर तबके के व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। नर भी जुड़े, वानर भी जुड़े, प्रकृति भी ने उनको साथ दिया। लोक संग्रह की कितनी बड़ी अद्भुत शक्ति होगी तब प्रभु रामचंद्र जी ने इतने बड़े सामर्थ्य को अपने साथ जोड़ा होगा। और विजय प्राप्त करने के बाद भी उसी नम्रता के साथ जन समाज को अपने आप को आहूत करने में लगे रहे। ऐसे आज विजयादशमी के पर्व पर हम भी संकल्प करें कि 2022 जब भारत आजादी के 75 वर्ष मनाएगा, हम भी कोई संकल्प करें, हम भी कोई सिद्धि के लिए रास्ता चुने और 2022 तक एक नागरिक के नाते देश को कुछ न कुछ सकारात्मक योगदान दे, कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करे। हम 2022 आजादी के 75 साल को महापुरुषों ने जिस सपनों से स्वतंत्रता दिलाई उसके अनुरूप बना पाएंगे। और इसीलिए प्रभु राम जी की तरह हम भी कुछ संकल्प लेने का व्रत लेकर के चले, यही मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर एक बार आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा संदेश हम सबको दिया है। मैं अब माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगा
कि वो हम सबको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। दशहरा के उत्सव पर यहां प्रमुख रूप से उपस्थित उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज दशहरा के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय का उत्सव मनाने का पर्व है। हम सब लोग ये भी जानते हैं कि ये नैतिकता और सदाचार की विजय और अनैतिकता की पराजय का भी पर्व है। प्रभु राम के जीवन आदर्श आज पूरी मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। प्रभु राम के आदर्शों को हम सब लोग जानते हैं, मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन आदर्शों की सार्थकता तभी कामयाब होगी जब हम सब लोग उन आदर्शों को अपने आचरण में भी ढाल लें।